हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, उसमें दो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इसमें भी आपको एनसीईआरटी के दो न्यूमेरिकल को सोल्यूशन मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोग न्यूमेरिकल बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का दो न्यूमेरिकल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग थर्ड एंड फोर्थ की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल का। थर्ड न्यूमेरिकल, जैसे कि आपके बोर्ड पे देख सकते हैं कि ये थर्ड न्यूमेरिकल है, कह रहा है जाँच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई एम पी बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बताता है। फिर इसी को अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो देखते हैं चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस, लुक अप एट अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन की, ये आप देख रहे हैं के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी कैपिटल एम ई एंड एम पी। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी होता है कि ये जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन में क्या क्या दिया है। जैसे कि के आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो के को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, और ई जो है इलेक्ट्रॉन है, बाई कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एम ई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम पी का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए सबकी जो बीमा है उस बीमा को रख करके देखते हैं कि क्या यह एक बीमाहीन है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का बीमा क्या होता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये आप देख सकते हैं यहां पर के का वैल्यू जो होता है के, हम जानते हैं सिंस एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और हम के का अगर हम डायमेंशन सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई क्यू वन क्यू टू। इस तरह से जानते हैं फोर्स का न्यूटन होता है और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और क्यू वन क्यू टू जो है वो चार्ज है, चार्ज का ये कूलम का पावर माइनस टू। यदि आप ग्रेविटेशनल, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का अगर यूनिट्स आप जानते हैं तो इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन का होता है एम एल टी का पावर माइनस टू, और एम जो है वो मीटर है, मीटर को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, और C जो है वो आपका चार्ज का यूनिट है, और चार्ज का आप जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला AT, और AT का पावर माइनस टू कर लेते हैं। इस तरह से अगर K का डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा M L का पावर थ्री, T का पावर ये माइनस टू और माइनस टू, T का पावर माइनस फोर और ए का पावर माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह से हम क्या करते हैं डायमेंशन निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। ई का तो आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं ई का। ई तो आप जानते हैं ई जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर हमको लिखना होगा मीन्स Q, तो Q का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, हम AT लिख लेते हैं, और कैपिटल G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं सपोज दैट। यदि आपको नहीं मालूम है तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2
बाई आर स्क्वायर होता है। हमें कैपिटल जी का हमें यूनिट्स निकालना है, तो ये होता है न्यूटन, ये होता है मीटर स्क्वायर, और ये हो जाता है हम पर केजी का स्क्वायर। तो इस तरह से कैपिटल जी का यूनिट्स हो गया। कैपिटल जी का यूनिट्स निकाल लिए, इसका अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो एम एल टी का पावर माइनस टू, एम जो है एल का पावर टू, और केजी जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है एम का पावर माइनस टू। तो इस तरह से हम इसका कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लिख लेंगे एम एल का पावर थ्री, और ये आपका एम का पावर माइनस वन, एल का पावर थ्री, और टी का पावर माइनस टू हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एम का पावर माइनस वन, एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, मीन्स ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और मास दिया है, मास M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू कैपिटल M कर लेते हैं इस तरह से, ये मास दिया है। तो इसको हम लोग टोटल डायमेंशनल लिख लिए। अब सिंस हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन का, हम देख रहे हैं कि के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी M1 M2। अब हमें ये चेक करना है कि एक्चुअली ये डायमेंशन लेस है कि नहीं, मीन्स ये बीमाहीन है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं के का। के का जैसे कि अभी डायमेंशन हम निकाले हैं एम, के का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं एम का पावर एम हो गया, ये हम आपको के का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका हम लिख सकते हैं एम एल टी का पावर माइनस टू, और ये एल स्क्वायर, और ये ए टी का पावर माइनस टू। इस तरह से इसको हम, अगर आपको के का डायमेंशन अगर हमको लिखना होगा तो हम बड़े लेटर में हम इसको लिख दे रहे हैं, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एल टी का पावर माइनस टू, और एम जो है वो एल का पावर टू कर लेते हैं, और ए टी का पावर माइनस टू कर लेते हैं। इसको डायमेंशन फॉर्मूला हम कर लेते हैं एम एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस फोर, और ए का पावर माइनस टू। देखिए एक्चुअली जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये रटा नहीं जाता है, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर इस तरह से निकाल करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एम का पावर थ्री, एम एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस फोर, ए का पावर माइनस टू, और ई जो है वो चार्ज है, चार्ज चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं चूंकि ये स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इस तरह से हम कर लेते हैं। और बाई कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हम लिख सकते हैं एम का पावर माइनस वन, एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस टू, और एम वन एम टू चूंकि मास है तो हम क्या कर सकते हैं एम का पावर टू कर सकते हैं। जब इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो आप देख सकते हैं कि देखिए एम का पावर माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो ये टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यानी कि एम एम कैंसिल हो गया तो एम का तो पावर जीरो हो गया, और देखिए एल का पावर थ्री, एल का पावर थ्री कैंसिल कर लेते हैं, और ए का पावर टू, ए का पावर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, और टी का पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एल का पावर जीरो, टी का पावर जीरो। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम वन एम टू,
ये एक बीमाहीन नियतांक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि ये देखना होता है कि ये जो वैल्यू दिया है इसमें कौन कौन डायमेंशन, इसका क्या क्या डायमेंशन होता है। जैसे के का डायमेंशन हम निकाल दिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट है, ई जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन लिख लेते हैं। कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हम डायमेंशन लिख लेते हैं। एम वन एम टू जो है वो मास है, इसका डायमेंशन लिख करके सबका रेशियो करते हैं। हम देख रहे हैं कि टोटल कट जा रहा है, इसका डायमेंशन एम का पावर जीरो, एल का पावर जीरो एंड टी का पावर जीरो के रूप में हो रहा है। ये बता रहा है कि ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, मीन्स द रेशियो ऑफ द के स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम वन एम टू इज द डायमेंशन लेस। अब ये चेक करना है। इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डायमेंशन लेस है, ये जो रेशियो है ये क्या शो कर रहा है, ये जो रेशियो है ये क्या शो कर रहा है, इसके बारे में हम लोग को फाइंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंस ये आपका दिया हुआ है जो वैल्यू, हम इस वैल्यू को पहले हम लिख लेते हैं। जैसे ये आपका दिया है के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम वन एम टू, ये पूछ रहा है क्या शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है। तो सबसे पहले सबका वैल्यू पुट करते हैं। सबका वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जैसे कि सिंस आप जानते हैं के इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67×10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। फिर हम क्या करते हैं, एम वन एम टू एम एम, ये एम जो है वो एम ई है और एम पी है। तो एम ई का मतलब होता है एम ई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1×10⁻³¹ केजी होता है। एंड एम पी का मतलब ये मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हम कह सकते हैं 1.66×10⁻²⁷ केजी। अब देखिए सबका ये जो वैल्यू है ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होता है उस बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये वैल्यू दिया रहता है। सिर्फ आपको करना क्या है, ये नोट करके इसको कैलकुलेशन करना है। जैसे कि ये फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंस ये के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई एम पी, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। के के की जगह पर हम 9×10⁹ और इंटू ई के जगह पर 1.6×10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर करते हैं, चूंकि ई स्क्वायर है। ये देखिए ये आप 1.6 है और ये कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो कैपिटल जी का वैल्यू 6.67×10⁻¹⁰ और इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये आपको बोर्ड पे लिखें 9.1×10⁻³¹ और इनटू मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.66×10⁻²⁷। इस तरह से सबका वैल्यू लिख लेते हैं और जैसे ही इसका कैलकुलेशन करिएगा वो आपका आएगा 6×10⁻³ न्यूटन। मीन्स ये बता रहा है कि द रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई एम पी इज द वैल्यू 6×10⁻³ न्यूटन। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का थर्ड न्यूमेरिकल था। अब हम लोग एनसीईआरटी के जो फोर्थ न्यूमेरिकल है उस फोर्थ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये किसी वस्तु का
विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है इस कथन से क्या तात्पर्य है। इसमें दो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, एंड सेकेंड स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मीन्स इसी को अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में एक्सप्लेन द मीनिंग of the statement electric charge of a body is quantized, and second why can one ignore quantization of electric charge when dealing with the macroscopic that is large scale charges। means simple, agar koi body hai उसमें जो टोटल चार्ज होते हैं वो टोटल चार्ज जो होते हैं क्वांटाइजेशन के रूप में होते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। सपोज दैट इसको हम बात कर रहे हैं इस तरह से कि अगर सपोज दैट कोई बॉडी है, इस तरह से अगर बॉडी ले लेते हैं, ये बॉडी है तो इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं -5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं +6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्वांटाइजेशन के रूप में होता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन यानी कि डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन क्यू इज इक्वल टू ±NE, यानी कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में होते हैं। सपोज दैट अगर ये बॉडी की टोटल चार्ज करें, टोटल चार्ज की बात करें, तो आप देख सकते हैं कहीं 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में है, कहीं 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में है, कहीं 5 इलेक्ट्रॉन के रूप में है, कहीं 6 इलेक्ट्रॉन के रूप में है। मीन्स ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होते हैं टोटल चार्ज वो क्वांटाइजेशन के रूप में होते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कभी भी पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 32 यानी कि 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम होगा। मींस ये डबल टाइम्स हो गया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज हो गया। लेकिन इस चार्ज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं यानी कि 2.4 × 10⁻¹⁹ कूलम नहीं लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। फ्रैक्शन में कभी भी किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइजेशन के रूप में होता है। सेकेंड हम कह सकते हैं स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए जब किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो चूंकि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है, छोटा होने के कारण जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है चार्ज का तो वहां पर हम उसका वैल्यू को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मींस उसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि चार्ज नहीं, यहां पर जो चार्ज ट्रांसफर होता है हो रहा है वन बॉडी से अदर बॉडी में, चूंकि चार्ज स्मॉल है तो स्मॉल के रूप में उसको छोड़ देते हैं। जैसे इतने बड़े बॉडी में टोटल चार्ज जो है बहुत अधिक है, उस कंडीशन में अगर थोड़ा सा चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उसको नेग्लिजिबल कर मान लिया जाता है। मतलब वहां पर यह देखा जाता है कि चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कंटिन्यू ट्रांसफर होता है, मींस हमेशा सतत रूप में यह कंटिन्यू होते रहता है, लेकिन अगर स्मॉल रूप में होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। अब इसी की आंसर की बात करें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, यदि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है इस कथन का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के मूल आवेश का कोई
पूर्णांक होता है अर्थात तीन पर जो आवेश के रूप में बदलता है परंतु आवेश के क्वांटम के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। मतलब अगर कोई बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है और 3 इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, उसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। गणितीय रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर जो वस्तु का चार्ज होता है वो q = ±ne के रूप में होता है। मतलब हम इस तरह से दर्शाया जा सकता है जहां n जो है वो एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और e जो है वो नंबर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होता है वो हम लिखते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, दिस मींस दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी कि किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में नहीं कर सकते हैं। चार्जेज आर नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। हैंस अ बॉडी पोजेस टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज q = ±ne। एंड सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड जो क्वेश्चन है कि एक स्थूल पिंड जब किसी बॉडी से ट्रांसफर होता है चार्ज तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में जब स्थूल स्तर पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है, अगर कोई वस्तु है और उस पर बहुत बड़ा आवेश होता है जबकि एक इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, जैसे मान लेते हैं कहीं 100 रुपया की तुलना में अगर 1 रुपया से कंपेरिजन किया जाता है तो 1 रुपया क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे 99 रुपया के कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पर 1 रुपया निगलेक्ट कर देते हैं, 100 रुपीज़ पे कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से स्थूल स्तर पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है बहुत ही छोटा होता है, मीन्स सूक्ष्म होता है। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं अथवा घटाए जाते हैं, यदि कोई वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वस्तु जो होता है वो सतत रूप से परिवर्तित होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये कंटिन्यू रूप में ये चेंज होते रहता है। इसी को हम कह सकते हैं स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश का क्वांटित होना, यानी कि क्वांटित जो होता है वो छोड़ा जा सकता है। इसी को जब इंग्लिश में बात करें इन मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्ज, यदि कोई वस्तु पर लार्ज स्केल में चार्ज होते हैं तो वहाँ पर जो एलिमेंट्री चार्ज होते हैं means the charges used are huge as a compared to the magnitude of the electric charge, यानी कि जो चार्ज यूज होते हैं means small रूप में उसको हम छोड़ देते हैं, means hence we can say that quantization of electric charge is no use of macroscopic cell, यानी कि macroscopic cell के रूप में हम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है हम यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में हम यूज करते हैं। मींस हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज इग्नोर, इट इज कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंटिन्यूअस, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमेशा कंटिन्यू होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इस तरह से ये NCERT का 4th न्यूमेरिकल था कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़िए। यदि नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।